देखिए चांद निकल रहा है, कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। ये दोनों तरफ दो पीपल के पेड़ हैं, दोनों तरफ दो नीचे आम के पेड़ हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। तो मैं आज सोच रही हूँ कि शाम का ब्लॉग शूट करूँ, थोड़ा नाइट व्यू दिखाऊं कि मेरे घर के आसपास कैसा नाइट व्यू रहता है। आज चंद्र ग्रहण है और मुझे उम्मीद है आप सभी भी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे और अपनी व्यस्तता के बीच में भी समय निकाल करके मेरा ब्लॉग देखेंगे, क्योंकि मुझे आप सब बहुत प्यार करते हैं तो इतना तो करेंगे ही। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जो पहले से हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए मेरे बैक से देखिए कि कितना नाइट व्यू कैसा है। ये मैं नीचे से दिखा रही हूँ, अभी मैं इसका फ्रंट कैमरा से दिखा। ये देखिए मेरा आम का पेड़ है और ये सामने क्लब का लाइट आ रहा है और ये अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। अभी मैं छत पर जाके भी दिखाती हूँ। और ये मैं घर में आ गई और ये देखिए मेरे मंदिर का नाइट व्यू। किसे बात कर रही है? हाँ, मैं अभी छत पर जा रही हूँ, बेटा तो बाहर गया है खेलने, अभी बहुत लेट नहीं हुआ है, अंधेरा जस्ट हुआ है, पापा के साथ बाहर गया है। मैं ऊपर से फर्स्ट फ्लोर का दिखाती हूँ कैसा नाइट व्यू है। ये देखिए ऊपर से कुछ अलग लुक है। ये मेरे सामने वाले घर का लुक देखिए। ये सवेरिया साहब का घर है। और ये मेरा मालती का पेड़ जो कि खिलते खिलते अब खत्म हो गया है, कुछ गुच्छे बचे हुए हैं। और इधर भी मेरा आम का पेड़ है जिसमें दो चार दस फल लगे हुए हैं। और ये भयंकर सा, बहुत ही भयंकर पीपल का पेड़ है। और ये मैं आपको सबसे ऊपर टॉप पर लेके चलती हूँ, तो अंधेरा इधर कुछ नहीं दिखेगा, चांद दिखा ही देती हूँ। देखिए चांद निकल रहा है, कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। ये दोनों तरफ दो पीपल के पेड़ हैं, दोनों तरफ दो नीचे आम के पेड़ हैं। दरवाजा खुला मेरे घर का, अकेले आया बेटा, पापा नहीं है, पापा नहीं आए हैं। अच्छा ठीक, आ जा, तनु से खुलवा लेना, नीचे बंद किया हुआ है, तनु को बोलना खोल देगी, दरवाजा बंद है। तो मैं सबसे ऊपर लेके चलती हूँ। मुझे सीढ़ियां चढ़ना बहुत, उतरना बहुत पसंद है, बहुत दिन बाद ये सीढ़ी मिला है। जब हम बी टाइप में रहा करते थे सीढ़ी में, तो सीढ़ी पर चढ़ते थे, उसके बाद सीढ़ी चढ़ना भूल गए। लेकिन इधर मैं लाइट नहीं लगा के रखी हूँ क्योंकि कभी कोई आते नहीं है तो अंधेरा अंधेरा है। अब इधर का व्यू देखिए,
गौर से आवाज सुनिएगा। ये जो आवाज है यहाँ अंधेरा होने के बाद दिखने लगता है, सुनने सुनाई देने लगता है। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ इधर सियार इतना रहते हैं। ये देखिए लाइट के नीचे कितना बढ़िया से परिंदे घूम रहे हैं। और ये मेरा दो नारियल का पेड़। और आसमान तो बदली बदली है तो बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, चंद्रमा नीचे से ही दिख रही थी, फर्स्ट फ्लोर से ही, इधर से नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब फिर नीचे दिखाएंगे बाद में। देखिए मेरा ऊपर का बेडरूम है, यहाँ पर खिड़की से देखिए लुक, देखिए खिड़की से कितना सुंदर आम दिख रहा है। नीचे का पूरा ग्राउंड दिख रहा है। वो क्या कहते हैं ना कि आदमी को अपने आप को खुश रखना सबसे कठिन काम है, तो बस मैं एक छोटी सी कोशिश करते रहती हूँ अपने आप को खुश रखने का। और अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी है आज के, मतलब जो टेंशन भरी दुनिया है उसमें स्वस्थ रखने के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं, स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है अपने आप को खुश रखना। दूसरों को तो खुश करना बाएं हाथ का काम है, लेकिन अपने आप को खुश रखना सबसे कठिन काम है। और मैं अब अपने लिए जीती हूँ, अपने लिए करती हूँ। ये अगर मेरी वीडियो से किसी के दिल को ठेस पहुँचता हो तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं हूँ वही मैं दिखा रही हूँ। निकालो इधर दिखाओ, चलो खा के दिखाओ कैसा लग रहा है। चलो ठीक, मेरे लिए एक आइसक्रीम निकाल, उसमें से निकाल लो, उसमें से। देखिए बच्चे लोग निकाल के खा लिए हैं, तो मैं सोची डिमोल्ड कैसे करते हैं वो भी दिख जाएगा और मैं भी टेस्ट कर लूंगी। बच्चे दोनों गिलास वाला निकाल निकाल के खा लिए हैं। देखिए एक तो इस गिलास में बनाए थे और एक ऐसे पानी में थोड़ा सा रब कर देते हैं जिस आइसक्रीम को निकालना है उसको, और निकाल लेते हैं। अब मेरा बेटा आइसक्रीम निकालने में एक्सपर्ट है, क्योंकि खाता भी है खिलाता भी है, सब काम यही करता है। ये देखिए ऐसे करके दिखाओ, थोड़ा ऐसे घूमो सीधा, एक बार चाट लो, खा लो खा लो खा लो, कैसा बना है मुंह से बोलो। अच्छा है, अच्छा है ना, खा लिया तो अच्छा नहीं नजर आया, मेरा वाला अच्छा लगेगा। एह चाट रहा है, चल दे दे। तो देखिए ये आइसक्रीम इतना बढ़िया बना है, कल सुबह जो मैं जमाई थी वो शाम को, स्टिक में बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा, और गिलास वाला तो गिलास जैसा, अभी थोड़ा सा बनाई हूँ, वीडियो क्लिप डाल दूंगी। तो देखिए सच में बहुत टेस्टी आइसक्रीम बना है। मेरे बच्चे दोनों खा लिए हैं, मैं ही बाकी थी। मैं सोची अभी वीडियो शूट कर रही हूँ तो आइसक्रीम दिखाई देती हूँ, सुबह आइसक्रीम बनाई थी तो इस समय तो दिखाना बनता था। बहुत टेस्टी बना है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए, नहीं तो आ जाइए खाने के लिए, मैं खिला भी दूंगी। और खाएगा बेटा और टेस्ट करेगा, लो एक बार टेस्ट करते। ये देखिए वीडियो देख रहा है, कुरकुरे खा रहा है, यही चलते रहता है। अच्छा चलो खा के जल्दी पढ़ाई शुरू करो, कल एग्जाम है। चलिए अब बहुत हो गया घूमना फिरना, बातें गप सप, अब कुछ काम कर लिया जाए। मैं इंतजार कर रही थी अपने पति देव का कि वो आएंगे तो हम दोनों एक साथ आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन वो आए नहीं और मुझे लास्ट में अकेले आइसक्रीम खाना पड़ा। और उसके बाद जब आए तो चाय बना के पी, और चाय पीते पीते ही हम लोग डिस्कस करते हैं चारों मिलके बैठ के कि आज रात में क्या बनेगा। जनरली रात में हम लोग अपने पसंद का बनाते हैं, बच्चों के पसंद का नहीं बनाते हैं, क्योंकि रात में ये लोग बहुत कम खाते हैं। अब एक रोटी खाना है तो मैं तो कंडीशन रख देती हूँ कि एक रोटी खाओगे तो जैसे भी बनेगा खाना पड़ेगा। तो मैं आलू और पत्ता गोभी का सब्जी बना रही हूँ, सब्जी रोटी जल्दी जल्दी बनाई
हाँ देखिए, ये भिंडी जो फ्रिज से निकाल के रखी हूँ एकदम ख़राब हो चुका है। बहुत जल्दी भिंडी फ्रिज में रखे रखे ख़राब हो जाता है, तो मैं एक दिन का रखा हुआ भिंडी तो मैं फेंक दी, निकाल निकाल के चुन चुन के दूसरे दिन का निकाली हूँ। ये भिंडी सुबह के लिए मैं काट धो के काट के रख देती हूँ, क्योंकि 4 बजे भी सुबह उठती हूँ तो नाश्ता तैयार करके समय नहीं मिलता है कि नाश्ता भी तैयार करूँ और बच्चों को भी उठाऊं, क्योंकि जितना टाइम हमको नाश्ता बनाने में लग जाता है उतना टाइम बच्चों को उठाने में लग जाता है। तैयार होने में तो मात्र 10-15 मिनट में दोनों बच्चे तैयार हो जाते हैं, लेकिन वही हो जाता है कि उठने में बहुत समय लगा देते हैं। तो इसी प्रकार मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, आटा भी गूंथ करके रख देती हूँ। ये बीच बीच में होम्योपैथ दवा भी मैं खा रही हूँ, वो भी मैं खा रही हूँ। मुझे एक समय याद आ गया, एक समय था कि मैं कहा करती थी कि मुझे फ्रिज का रखा हुआ आटा, पहले का काटा हुआ सब्जी नहीं पसंद है, लेकिन सिचुएशन कहाँ ला के खड़ा कर देता है। मैं एक भाभी से ये बात बोलती थी, जो भाभी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही पहले से आटा गूंथ करके और सब्जी काट कर रखती थी। वो बोलती थी कि बाद में तुमको पता चलेगा, सब करना पड़ेगा। और सच में अभी मेरे को सब्जी भी काट के रखना पड़ रहा है, आटा भी गूंथ के रखना पड़ रहा है, नहीं तो मैनेज ही नहीं हो पाता है। सुबह सुबह कितना सवेरे उठते हैं तो नहीं मैनेज होता है। ये बनाने के बाद सब मिल के बैठ के खाते हैं, खाने के बाद फिर सबको सुलाते हैं, जल्दी जल्दी सबके हाथ से मोबाइल टैब छीन के अपने पास रख लेते हैं, नहीं तो पता चला कि कोई रात तक देखते रह गया, हो गया कल्याण, सुबह उठेगा भी नहीं। तो शाम को मैं खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, रात में सब्जी और रोटी या भुजिया रोटी या जो भी बनाए, बहुत हुआ तो किसी दिन खीर सेवई बनता है। तो चूंकि मेरे बच्चों को खीर सेवई पसंद है, मैं ज़्यादा वो सब चीज़ें बनाती नहीं हूँ। मेरे बच्चे बीच बीच में आके देखा बता रहे थे, सबको ऑनलाइन शॉपिंग करने का चढ़ गया था बुखार की इस बार राशन ऑनलाइन देखना है, तो वही बार बार मेरे को पूछने आ रहे थे, चाय पत्ती ये वाला चाहिए। फिर अंत में ऑनलाइन शॉपिंग नहीं हुआ। और देखिए, मैं सब्जी बनाई, रोटी बनाई और ये सुबह का चटनी है, परोर का चटनी। मेरा वीडियो से दिल के किसी भी कोने में जरा सा भी इतनी सी भी खुशी हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। चलिए मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।